नमस्कार, भारत के पहले मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। इस खास न्यूज बुलेटिन में खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार, असम और पश्चिम बंगाल समेत 8 राज्यों में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 6.8 तीव्रता का मापा गया। म्यांमार में था भूकंप का केंद्र, 10 सेकंड तक लोगों ने महसूस किया झटका। मिशन कश्मीर पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कहा इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत मनाने वालों का स्वागत। दोनों के बीच सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक युवक की मौत। आरएसएस पर टिप्पणी वाले मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने माना राहुल गांधी ने बापू की हत्या के लिए आरएसएस को नहीं कहा था हत्यारा। अब पैसे देकर किसी महिला की पोक नहीं खरीदी जा सकेगी। कैबिनेट ने सैरोगेसी नियमन विधेयक को दी मंजूरी। सिर्फ भारतीय नागरिकों को होगा सैरोगेसी का अधिकार। और हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी साक्षी। बहादुरगढ़ लौटी साक्षी मलिक का सीएम खट्टर ने किया स्वागत। बोली टोक्यो ओलंपिक में जीतूंगी गोल्ड मेडल। और अब फटाफट एक नजर आज की कुछ और बड़ी खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को उस विधेयक को मंजूरी दे दी जिसमें किराए की कोक वाली मां के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए गए हैं और इस तरह के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराए की कोक मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्य देश में किराए की कोक संबंधी प्रक्रिया के नियमन को समुचित ढंग से अंजाम देना है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट ने इस विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति दे दी। मंत्रियों के एक समूह ने हाल ही में इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी थी तथा इसे अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेजा था। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के अलावा वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरिसिमरत कौर भी जीओएम में शामिल थी। कैबिनेट ने सैरोगेसी नियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि सैरोगेसी विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि भारत लोगों के सैरोगेसी हब बन गया था और अनैतिक सैरोगेसी की घटनाएं सामने आती रहती है। उन्होंने कहा कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को सैरोगेसी का अधिकार होगा, ये अधिकार NRI और OCI होल्डर के पास नहीं होगा। सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि केंद्र पर नेशनल सैरोगेसी बोर्ड, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्तर तक स्टेट सैरोगेसी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बिल कमर्शियल सैरोगेसी पर रोक लगाने और निसंतान दंपति को नीति परक सैरोगेसी की इजाजत देने के लिए लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को RSS पर की गई टिप्पणी मामले में राहत दे दी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी मामले में बुधवार को उनकी दलीलों से संतुष्ट हो गया। राहुल गांधी ने दलील दी कि उन्होंने RSS के पूरे संगठन पर टिप्पणी नहीं की थी बल्कि उसके कुछ लोगों पर टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा दर्ज कराए गए बयान के मुताबिक उन्होंने कभी RSS को आपराधिक संगठन नहीं बताया। इससे पहले इस मामले में पिछले महीने 19 जुलाई को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि या तो वे इस मामले में माफी मांगे या ट्रायल का सामना करें। जयपुर के मशहूर 5 सितारा राजमहल पैलेस को राजस्थान सरकार ने सील कर दिया है। वहां से सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। जयपुर राजघराने के इस होटल और जमीन पर कब्जे को लेकर जयपुर में खूब ड्रामा भी हुआ। राजघराने की राजमहल पैलेस की 13 बीघा जमीन पर भी कब्जे को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण की जब्ती टीम सुबह 6 बजे राजमहल पैलेस पहुंच गई। राजकुमारी और बीजेपी की पूर्व MLA दिया कुमारी भागी भागी राजमहल पैलेस पहुंची। वहां कोर्ट के कागजात दिखाकर कब्जे की कार्रवाई रोकने की कोशिश की लेकिन अधिकारियों ने उनकी एक नहीं सुनी। नाराज दिया कुमारी ने अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने अपने ही बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार खाली पड़ी इस जमीन पर मॉल बनाने के लिए कब्जा करवाना चाहती है। पूर्वी भारत के कुछ राज्यों में पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड समेत 8 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके जैसे ही महसूस हुए लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। भूकंप के झटके लगातार महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार में है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई है। भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर अब तक नहीं है। लोगों का कहना है कि उन्होंने करीब 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए। दिल्ली और इससे सटे हरियाणा में सोमवार को मध्यम तीव्रता का भूकंप महसूस किए गए थे। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई थी।
बीते 47 दिनों से कश्मीर घाटी में तनाव और अशांति के बीच शांति बहाली के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह दो दिन के कश्मीर दौरे पर श्रीनगर पहुंच गए हैं। इस दो दिवसीय दौरे में वो राज्य प्रशासन के साथ ही सभी धड़ों के नेताओं से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। संभव है कि इस दौरान कुछ अहम ऐलान भी हो, जबकि राजनाथ की यात्रा से ठीक पहले घाटी में 11 साल बाद फिर से BSF की तैनाती की गई है। इस बीच जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ताजा झड़पों की खबरें हैं। पुलवामा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई, वहीं श्रीनगर के सफा कदर इलाके में भी ताजा झड़पों की खबर है। इन झड़पों में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के खात्मे के 40 दिन बाद भी कश्मीर में हिंसा और विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। झड़पों में 70 लोगों की मौत हो गई है। NIA को शक है कि हिंसा भड़काने के लिए विदेशों से फंडिंग की जा रही है। इस बाबत शुरुआती जांच में जो सबूत मिले हैं वो चौंकाने वाले हैं। पता चला है कि 8 लोगों के अकाउंट में बीते कुछ समय में 4 से 5 करोड़ रुपए आए हैं। NIA की 4 सदस्यीय टीम जांच के लिए कश्मीर घाटी पहुंची है। जांच एजेंसी ने हाल ही कश्मीर में हिंसा को भड़काने के लिए की जा रही फंडिंग को लेकर केस भी दर्ज किया था। शुरुआती जांच के बाद सूत्रों के हवाले से खबर है कि कश्मीर के 8 लोगों के अकाउंट में कई बार 3-3 लाख रुपए करके 4 से 5 करोड़ रुपए जमा किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की CM जयललिता को नसीहत देते हुए कहा कि वो एक पब्लिक फिगर है, उन्हें अपनी आलोचना का सामना करना सीखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा संदेश उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु सरकार मानहानि कानून का अपने विरोधियों के खिलाफ दुरुपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि तमिलनाडु से ज्यादा स्टेट मशीनरी का दुरुपयोग कोई भी और राज्य नहीं कर रहा है। मानहानि का केस इसलिए नहीं किया जा सकता है कि कोई CM के स्वास्थ्य से जुड़ी रिपोर्टिंग कर रहा है। बता दें कि पहले दिनों कई ऐसे मामले सामने आए जब तमिलनाडु सरकार ने आलोचना करने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा ठोक दिया। वैष्णो देवी में गेट नंबर 3 के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार सुबह श्रद्धालु के ट्रैक पर एक चट्टान गिरने से कई लोग मलबे में दब गए हैं, जबकि CRPF के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, जबकि 3 से 4 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई है। हालांकि अभी कोई पुख्ता जानकारी या संख्या सामने नहीं आई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है, बचाव और राहत का कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BJP के नेताओं से कहा है कि पार्टी को अधूरे कामों को पूरा करने के लिए अगले 30 वर्ष तक सरकार में रहना है और इसलिए देश हित में चुनाव जीतना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार देर शाम BJP के राज्य कोर ग्रुपों की बैठक में समापन भाषण दे रहे थे। बैठक में मौजूद कुछ BJP नेताओं ने बताया कि PM के पूरे भाषण का जोर गरीबों के कल्याण पर रहा। उन्होंने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य गरीबों का कल्याण करना है। उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी को उत्साह से मनाने का आह्वान करते हुए पार्टी नेताओं से कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए ही दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय को सामने रखते हुए जनसंघ की स्थापना की थी। देश भर में गुरुवार को जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। मुंबई में इस मौके पर दहीहांडी उत्सव की धूम रहती है, लेकिन इस बार दहीहांडी से पहले गोविंदा की टोलियां गुस्से में है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दहीहांडी की ऊंचाई में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर दहीहांडी टांगने से रोक लगाई है। साथ ही 18 साल से कम उम्र वाले गोविंदाओं पर भी रोक लगाई है। मुंबई में दहीहांडी को लेकर राजनीति भी हो रही है। गोविंदा राजनीतिक पार्टी और कुछ आयोजक इस बार अदालती आदेश की अनदेखी कर हर बार की तरह उत्सव मनाने के लिए जिद पर अड़े हुए हैं और इसके लिए वे जेल जाने तक को तैयार हैं। PM मोदी द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी सरकार के मानवाधिकार हनन के मामलों को उठाए जाने के बाद अब अमेरिका ने भी पाकिस्तान की आलोचना की है। पाक अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए अमेरिका ने मतभेदों पर शांतिपूर्ण तरीके और एक वैध राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए काम करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, POK में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। हमने अभी मानवाधिकारों की रिपोर्ट में इसका जिक्र कई साल तक किया है। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेट्रो TV से। नमस्कार।